हेलो नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल रेलवे क्रिकेट्स में आपका। फ्रेंड्स, आरपीएफ कांस्टेबल एंसलरी का अभी तक देखिए फ्रेंड्स कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशंस कुछ भी जानकारी नहीं आई है, लेकिन आज हमें कुछ पता चला है। जो ये जानकारी मिली है, ये 400 और 250 रुपये जो रिफंड होने के, ये आपको ऑफिशियली मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ आपको ऑफिशियल वेबसाइट्स में, कि क्या इसकी जानकारी सच में आई है। तो आप हमारे चैनल से ज़रूर बने रहिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और हमको आपको मैं बताना चाहूँगा कि 400 और 250 रुपये रिफंड कैसे करना है और उसके लिए लीगल जो रिपोर्ट कैसे करनी है आरपीएफ को। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको मैं बता दूँ पूरी की पूरी क्वेरीज के साथ आपको समझा देना चाहता हूँ। तो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं आपके ऑफिशियल वेबसाइट्स में। ऑफिशियल वेबसाइट में जस्ट नीचे आप जस्ट स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, एग्जाम फी में आप जस्ट क्लिक करोगे तो यहाँ पर देखिए क्या बताया गया। कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर द पोस्ट नोटिफाइड इन दिस एम्प्लॉयमेंट नोटिस हैव टू पे द प्रेस्क्राइब फी एज पर देयर कैटेगरी डिटेल बिलो। तो देखिए फ्रेंड्स, जो आपको डिटेल जो दे रखी है यहाँ पर, जो डिटेल दे रखी कंसेशन की, जो 500 रुपये जिन बच्चों ने मतलब एग्जाम फी दिया था उन्हें 400 रुपये रिफंड किए जाएंगे, और जिनका 250 रुपये का दिया गया था एग्ज़ाम के लिए उनको पूरे के पूरे 250 रुपये रिफंड किए जाएंगे। और ये बताया गया है कि अगर आपने इन द इवेंट कैंसिलेशन ऑफ नोटिफाइड वैकेंसीज द एग्जामिनेशन, देखिए मान लीजिए अगर आपका कोई भी वैकेंसी इसमें से आपका कैंसिल आउट कर दिया जाता है तो आपको इसमें से कोई भी पैसा रिफंड नहीं किया जाएगा। अब बात करते हैं फ्रेंड्स कि पैसे जो है ना वो हमें मिलेंगे कैसे, कैसे मिलेगा हमें, ये पूरी की पूरी जानकारी हमें लेना है पूरी की पूरी। तो देखिए फ्रेंड्स, आपका हेल्प डेस्क में जाइए, आरपीएफ का हेल्प डेस्क है, यहाँ पर आप जाके कोई भी अपनी आपकी क्वेरी है यहाँ पर आप क्वेरी के बारे में आप अच्छे से जान सकते हो। फ्रेंड्स देखिए, हाउ डू आई नो दैट माय एप्लीकेशन इज़ रजिस्टर्ड, इज एग्जामिनेशन फ़ी रिफंडेबल। देखिए फ्रेंड्स, क्या आपके एग्जामिनेशन क्या फ़ी रिफंड हुए हैं सर, ये ऐसा टाइप का क्वेश्चन एक पूछा जा सकता है आपके द्वारा। और आई हैव नॉट प्रिंटेड माई एप्लीकेशन, वेयर कैन आई गेट डेट, तो ये हमें दरकार नहीं है। व्हाट इज़ द पासवर्ड टू व्यू द एप्लीकेशन प्रिंट, ये सब हमें दरकार नहीं है। व्हेन विल आई नो इफ माय एप्लीकेशन इज़ एलिजिबल और नॉट, और एग्जामिनेशन ऑनलाइन एग्जाम, ये भी हमें नहीं चाहिए। व्हेन विल द एडमिट कार्ड बी अवेलेबल फॉर ऑनलाइन एग्जाम, ये भी हमें नहीं चाहिए। और अदर्स में जाइए तो इसमें भी अगर आपको कुछ और भी क्वेश्चन पूछने हैं इसके अकॉर्डिंग तो वो भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। लेकिन हमारा जो मेन मुद्दा है, हमारा यहाँ पर देख सकते हो एग्जामिनेशन फ़ी रिफंड नहीं हुआ है। तो देखिए फ्रेंड्स, एग्जामिनेशन फ़ी रिफंड नहीं हुआ है। देखिए बताया गया क्या, फॉर ऑल कैंडिडेट्स एक्सेप्ट द फी कंसेशन कैटेगरी द एग्जामिनेशन फी 500 आउट ऑफ विच एन एग्जाम अमाउंट ऑफ 400 शैल बी रिफंडेड ड्यूली डिडक्टिंग बैंक चार्जेस ऑन अपियरिंग इन द सीबीटी। फॉर कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू एससी एसटी एक्स सर्विसमैन और फीमेल माइनॉरिटी इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास द एग्जामिनेशन फी इज रुपीज 250 विल विच शैल बी रिफंडेड ड्यूली डिडक्टिंग बैंक चार्जेस ऑन अपियरिंग इन द सीबीटी। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका आंसर यहाँ पर दे दिया गया है। तो आपने यहाँ पर सीबीटी भी क्लियर कर लिया, कॉल लेटर भी आ गया है पेट पीएमटी का। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, यहाँ पर ये बताया क्यों नहीं गया है कि यहाँ पर जो आपकी जो पैसे हैं वो रिफंड क्यों नहीं किए गए, मेन मुद्दा ये है। ठीक है ना, तो मेन मुद्दा यहाँ पर ये देखिए, अगर क्वेश्चन आप इस क्वेरी पर मारते हो तो यहाँ पर ये क्वेरी आपका आंसर खुल के आ जाएगा। बात करते हैं फ्रेंड्स, अगर दूसरा क्वेश्चन जो अदर्स में मारते हैं तो अदर्स में आपको आने के बाद यहाँ पर देखिए कि अप्लाइंग ग्रुप क्या है, स्टेज वाइज क्वेरी क्या है होगी, स्टेज वाइज आपकी क्वेरी क्या है, और आपका रजिस्टर्ड ईमेल आईडी आरपीएफ 303-2018 के द्वारा यहाँ पर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी भी देनी होगी, रजिस्टर्ड नंबर भी देना होगा, और आपका नाम जो है वहाँ पर देना होगा। क्वेरी प्रॉब्लम ये बताइए पूरे अच्छे के साथ, मेल कंटेंट शुड बी इंग्लिश लैंग्वेज, जो भी है आप अगर आप लिखना चाहते हो, अगर आपका फी डिडक्टिंग कोई प्रोसेस में अगर प्रॉब्लम हो रही है तो यहाँ पर अच्छे से आप यहाँ पर इसको फॉर्म फिल कर सकते हो। तो थैंक यू फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करिएगा, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करने की कोशिश ज़रूर करिएगा फ्रेंड्स, ताकि आपको जो जो नया जो नोटिफिकेशन जो नया न्यूज़ है सबसे पहले आपको दे सके। और बहुत सारे चैनल आपने देखे होंगे लेकिन आपको जो जो रियल जो न्यूज़ होता है हमारे चैनल पर मिलता है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिएगा और चैनल को शेयर करने की कोशिश करिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।